आज हम जमात सुवम का मज़मून माहौल का मुताला, सबक का नाम है हमारा मज़बूत दांत सेहतमंद जिस्म। इस सबक से मुताल्लिक आज मालूमात हासिल करने जा रहे हैं, आइए अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब हम सबक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवालात करूंगा, आप लोगों को उसके जवाबात जो है तो देना है। मेरा पहला सवाल है आप लोगों से, तुम्हारी जमात के कितने बच्चों के दांत गिर गए हैं? कुछ बच्चों के दांत गिर गए हैं, कुछ के नहीं गिरे हैं। वेरी गुड। कुछ बच्चों के दांत अभी गिरे हैं और कुछ बच्चों के दांत अभी गिरे नहीं हैं। जिनके दांत गिर गए हैं, क्या इन्हें दोबारा नए दांत आएंगे? हाँ, इन्हें दोबारा नए दांत आएंगे। वेरी गुड। इन्हें नए दोबारा जो है तो दांत आएंगे। अब मेरा ये आपसे सवाल है कि हमारे दादा दादी के पूरे दांत गिर जाते हैं, तो क्या इनको दोबारा नए दांत आते हैं? नए दांत नहीं आते हैं। वेरी गुड। इन्हें जो है तो नए दांत दोबारा नहीं आते हैं। यही सब बातें जो है तो आज हम लोग इस सबक में देखने वाले हैं। आगे हम लोग जो है तो बहुत सारी बातें देखेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं अब आप लोगों को सुभाष के दादा की कहानी एक सुनाता हूँ। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। आप लोग जैसा कि तस्वीर में देख सकते हैं कि तमाम बच्चे जो है तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना? और सुभाष के दादा जो है तो एक जगह पर गए हुए हैं। तो हम लोग कहानी में देखेंगे अभी क्या हो रहा है। हमारी गली के एक बच्ची जो है तो कहानी सुना रही है। हमारी गली के तमाम बच्चे शाम में खेलने के लिए जमा हुए थे। सुभाष नहीं आया था। सुभाष बच्चा एक बच्चे का नाम है, वो नहीं आया था। वो दादा के साथ दांतों के डॉक्टर के पास गया था। 3 महीना पहले दादा के दांत निकाल दिए गए थे। आज इन्हें नया चौका मिलने वाला था। मोनिका दीदी ने कहा, ऐसा चौका असली जैसा नजर आता है, लेकिन दांत मस्नूई होते हैं। यहाँ पर दांत के चौके की बात हो रही है, जो नकली दांत हम लोग जो कहते हैं कि दांत गिर जाने के बाद जो लगाते हैं, वो दांत की बात कर रहे हैं हम लोग। पूरा चौका लग रहता है, वो पूरे दांत का बंच रहता है एक। पहली जमात में पढ़ने वाले अहमद ने पूछा, नया चौका किस लिए? मेरे दादा के दांत गिर गए थे, लेकिन इनके तमाम दांत दोबारा आ गए। इस तरह क्या सुभाष के दादा को नहीं आएंगे? ये सुनकर सब हंसने लगे। मोनिका दीदी ने अहमद को समझाते हुए कहा, बचपन में जो दांत निकलते हैं, इन्हें दूध के दांत कहते हैं। ये उम्र के सातवें या आठवें साल में गिर जाते हैं। इसके बाद फिर एक बार दांत आते हैं। ये दांत मुस्तकिल दांत कहलाते हैं। वो गिरने पर दोबारा नहीं आते, है ना? पहले जो दांत आते हैं वो दूध के दांत कहलाते हैं, और सातवें आठवें साल में दांत गिर जाते हैं। वो मुस्तकिल दांत होते हैं, यानी वो बहुत दिनों तक बुढ़ापे तक जाए तो वो दांत चलते रहते हैं। इसे मुस्तकिल दांत कहते हैं। जब मुस्तकिल दांत गिर जाते हैं तो दोबारा नहीं आते हैं। एक बाबू नाम का बच्चा है, उसने कहा, नहीं आए तो ना सही, मस्नूई दांत का चौका क्यों लगाए, है ना? ऐसा वो कहता है कि नहीं आएंगे अगर तो ना सही, मस्नूई दांत क्यों लगाए, यानी इंसानों के बनाए हुए दांत हम क्यों लगाए, ऐसा जो है तो वो कहता है। मोनिका दीदी ने कहा, बाबू तुम तो तीसरी में हो ना, तुम्हारी जमात के 10-12 बच्चों के दांत गिर गए होंगे। तुम्हारे दांत भी गिर गए हैं। दांत गिरने से खाने और बात करने में तकलीफ होती है ना? बाबू ने कहा, ये बिल्कुल सही है। भुनी हुई मूंगफली के दाने मुझे कितने पसंद है, लेकिन मैं कहाँ खा सकता हूँ, ऐसा जो है तो ये कहता है।
मरियम ने कहा, और बाबू श नहीं कह सकता, सामने के दांत गिर गए हैं ना, शो बोलना चाहे तो सीटी ही बजती है ना, सीटी बज जाती है। ये सुनकर सब एक बार फिर हंसे। मोनिका दीदी ने कहा, आप समझ गए ना, मुस्तकिल दांतों की फिक्र करना क्यों ज़रूरी होता है। इतने में सुभाष और इसके दादा वापस आ गए। दादा बच्चों की तरफ देखकर हंसे, इनके चौके के दांत चमक रहे थे, है ना। दादा जो है तो बच्चों की तरफ देखकर हंस रहे थे, और उनके जो दांत लगा कर आए थे उन्होंने, तो वो दांत को देखकर सब हंस रहे थे। तो ये थी यहाँ पर कहानी। आप लोगों को ये बात समझना चाहिए कि चौका कहते हैं नकली दांत के एक बंच को, यानी पूरे उसमें सब दांत होते हैं, जैसे हमारे असली दांत होते हैं वैसे ही इंसानों के बनाए हुए दांत होते हैं, उसे मस्नूई दांत कहते हैं। तो उसके बंच को पूरे एक सब दांत उसमें लगे होते हैं, देख सकते हैं आप लोग तस्वीर में, जैसे हमारे दांत है उसी तरह, उसे जो है तो चौका कहते हैं, है ना। आओ दिमाग पर जोर दे। अब यहाँ पर बुढ़ापे में कई लोगों के दांत गिरते हैं, लेकिन बाज़ लोगों के मुस्तकिल दांत बहुत जल्द गिर जाते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम दांतों की सही हिफाजत नहीं करेंगे तो हमारे दांत भी जो है तो जल्द गिर जाएंगे, और अगर हम लोग दांतों की हिफाजत बेहतर तरीके से करते रहेंगे तो हमारे दांत जल्दी नहीं गिरेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें दांतों की देखभाल किस तरह करना है वो जो है तो बताया जा रहा है ना। कुछ भी खाएं तो मुंह अच्छी तरह साफ करें, कुल्ली करें, दांत पर अंदर और बाहर से उंगली फेरें, अच्छी तरह 5-6 बार कुल्ली करें, वरना खाने के जो ज़र्रात होते हैं मुंह में रह जाते हैं। जब भी हम लोग खाना खाएं तो उसके बाद फौरन कुल्ली करना चाहिए, 5-6 मरतबा दांतों को अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए अंदर और बाहर से। जो दांतों और ज़बान से चिपक जाते हैं, छोटे छोटे जो ज़र्रात होते हैं वो दांतों से चिपक जाते हैं, दांतों के दरमियान भी अटक जाते होंगे, वो मुंह में सड़ते हैं, मुंह से बदबू आती है, बार बार ऐसा होता रहा तो मसोड़े ख़राब हो जाते हैं। हम जो चीज़ें खाते हैं वो छोटी छोटे टुकड़े हमारे दांतों के अंदर चिपक जाते हैं, दराड़ों में जो बीच के हिस्से होते हैं दांत के वहाँ चिपक जाते हैं, फिर अगर वो सड़ जाते हैं तो मसोड़े भी जाए तो ख़राब हो जाते हैं और बदबू आती है मुँह से, मसोड़ों से खून और पीप आना शुरू होता है, दांत के जो ऊपर का हिस्सा होता है और नीचे का हिस्सा होता है वो मसोड़े कहलाते हैं, तो वहाँ से खून और पीप आने लगता है, वही पेट में जाता है जिसकी वजह से पेट में बीमारियाँ होती है। अगर वो पीप पेट में चला जाए, पीले कलर का रहता है वो, गंदा खून होता है वो, अगर वो अंदर चला जाए तो फिर बीमारियाँ होती है। इसके अलावा खाने के सड़े हुए ज़र्रात अगर मुंह में रह जाए तो दांत को कीड़ा लग जाता है, आहिस्ता आहिस्ता दांत हिलने लग जाते हैं और आखिर में गिर जाते हैं। तो आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुल्ली करना चाहिए खाना खाने के बाद, दिन में 2 मरतबा जो है तो ब्रश करना चाहिए सुबह और शाम, उठने के बाद और सोने से पहले ब्रश करना चाहिए आप लोगों को। अगर आप लोग इस तरीके से करोगे तो बेहतर दांत आप लोगों के रहेंगे। अब आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो है तो दांत साफ करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि दांत मांजने के लिए लोग नीम या बबूल की पतली शाखें इस्तेमाल करते हैं, है ना। कुछ लोग बाज़ार से मिलने वाला मंजन इस्तेमाल करते हैं या घर में तैयार किया हुआ मंजन इस्तेमाल करते हैं, है ना। कुछ लोग बाज़ार से मंजन लाते हैं और कुछ लोग जो है तो घर भी तैयार करते हैं, घर में तैयार करते हैं मंजन। कुछ लोग ब्रश और पेस्ट का इस्तेमाल भी करते हैं,
जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, ब्रश और पेस्ट का जो है तो इस्तेमाल किया जा रहा है। नीम और बबूल की पतली टहनियाँ या मंजन इस्तेमाल करने से दांतों का दरमियानी हिस्सा पूरी तरह साफ नहीं होता। इसके अलावा घर में बनाया गया मंजन खुरदुरा होता है, टहनियाँ सख्त होती हैं, इसकी वजह से मसूड़ों को जख्म हो सकता है। ब्रश और पेस्ट का इस्तेमाल करके दांतों के दरमियान का हिस्सा ठीक तरह से साफ कर सकते हैं। इसके अलावा पेस्ट का झाग भी बनता है, जिसकी वजह से दांतों के दरमियान फंसे हुए ज़र्रात निकल जाते हैं। आप लोगों को ये बात याद रहना चाहिए कि पेस्ट का और टूट जो ब्रश होता है उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। हाँ, अगर मसूड़ों को तकलीफ़ नहीं होती है तो ये जो बारीक डंडियाँ नज़र आ रही है लकड़ी की या बबूल के दरख्त की या नीम के दरख्त की, तो हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो बारीक और मुलायम हो, नरम हो, तो ये बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। देखो, यहाँ पर हमें एक काम करके देखना है ना? यहाँ पर हमें क्या करना है कि कांच का एक बीकर लो, यानी कांच का एक बर्तन है वो लेना है। इसमें इतना साफ पानी डालो कि वो आधा भर जाए, यानी देखिए हमने इतना पानी डाले कि वो आधा भर गया है। और फिर आपकी ही क्लास के किसी लड़के या लड़की को उसमें हाथ धोना है ना? इसके बाद इस लड़के या लड़की का हाथ देखो, देखो कि बेकर के पानी में क्या फ़र्क होगा। जब वो लड़का या लड़की हाथ धो लेता है तो उसके हाथ अगर हम लोग देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उसके हाथ कैसे है और जो बेकर में पानी था वो कैसा है। तुम्हें क्या मालूम होगा जो बातें हैं वो? पानी में धोने से हाथ तो साफ़ हो गया, बेकर का पानी गदला हो गया यानी गंदा हो गया। और आपके साथ जो भी और लोग भी पढ़ते हैं, किसी हम जमात ने भी हाथ धोया होता तो यही नज़र आता, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो भी हाथ धोता तो वैसे ही नज़र आता। इससे क्या ज़ाहिर होता है ना? इससे क्या ज़ाहिर होता है? दिन भर मुख्तलिफ वजूहात से हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं, इसलिए खाने से पहले हाथ साफ धोना चाहिए, है ना? हमें जो है खाने से पहले साफ हाथ जो है तो हमारे करना चाहिए। हमें ये मालूम हुआ कि पानी के अंदर अगर हम हाथ धोते हैं तो पानी हमारे हाथ को साफ कर देता है ना? और कोई भी हाथ धोए तो उसके हाथ साफ हो जाते हैं। हमारे हाथों में जो है तो गंदापन होता है, मैल होता है, मिट्टी के ज़र्रात होते हैं और दूसरी चीज़ें होती हैं, इसलिए हमें जो है तो खाने से पहले हाथ जो है तो साफ धोना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए या हैंड वॉश है हैंड वॉश से धोना चाहिए, अच्छी तरीके से रगड़ कर उसको हाथों को धोना चाहिए ताकि हाथ अच्छी तरीके से साफ हो जाए। अब हम यहाँ पर देखेंगे जिस्म की सफाई। जिस्म की सफाई इस टॉपिक को देखने से पहले हम कुछ बातें देखते हैं कि कुछ लोगों को अगर चोट लग जाती है, जख्म आ जाता है, तो लोग इसके ऊपर गीली मिट्टी लगाते हैं, मिट्टी को गीला कर लेते हैं और लगाते हैं। ये गलत है, इससे ज़ख्म जो है वो सड़ता है, ज़ख्म में पीप भी भर सकता है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग जिस्म की सफाई के बारे में, है ना? हम लोग जो है जिस्म को साफ रख सकते हैं। अगर गंदे हाथों से खाना खाए तो वो गंदगी पेट में जाती है, पेट खराब हो जाता है, इसलिए खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए। जिस तरह हम दांतों को साफ रखते हैं, इसी तरह बालों और नाखूनों की सफाई भी ज़रूरी होती है।
क्योंकि अगर नाखून गंदे होंगे तो हम हाथ से खाना खाते हैं, वही गंदे जो चीज़ें हैं जो नाखूनों में फंसी हुई है वो मुंह के ज़रिए हमारे पेट में जाएगी और फिर हमारा पेट ख़राब होगा और मुख्तलिफ़ बीमारियाँ होगी। बालों को भी जो है तो हमें साफ़ रखना चाहिए, रोज़ाना उसको धोना चाहिए, उसमें तेल लगाना चाहिए, कंघी करना चाहिए और उन्हें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमारे जिस्म में 5 हिस्सी अज़ा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नाक है, कान है, ज़बान है, आँख है और हमारी जिल्द, जिससे हम किसी भी चीज़ को छू कर पता करते हैं कि ये गर्म है कि ठंडा है। जैसे कि ये बूढ़े शख्स पानी को देख रहे हैं कि पानी गर्म है या ठंडा है। तो ये 5 जो चीज़ें हैं उनका हमें ख़ास तौर पर ध्यान रखना है, इसलिए हमें रोज़ाना नहाना चाहिए, हफ्ते में कम अज़ कम एक बार बाल धोना चाहिए। एक बार बाल अगर हफ्ते में कम अज़ कम तो धोना ही चाहिए, अगर रोज़ भी धोए, एक दिन छोड़कर भी धोए तो बेहतर होगा। अगर हम लोग सफाई नहीं रखेंगे तो फिर हमें नुकसान होगा, हम बीमार हो जाएंगे। तो ये सब बातें थी साफ़ सुथरा जिस्म रखने से मुतालिक। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सही मानों में समझदार कौन, यानी सही मानी में समझदार कौन है। सुबह सोकर उठने के बाद सब दांत मांझकर मुंह धोते हैं, लेकिन सोने से पहले भी जो याद से दांत मांझकर मुंह धोते हैं वो सही मानों में समझदार है। सुबह सब उठते हैं तो मुंह धोते हैं, दांत भी साफ़ करते हैं, लेकिन सोने से पहले मुंह धोना और दांत साफ़ करना ज़रूरी होता है। हमारे इस्लाम में भी, हमारे मज़हब में भी ये बताया गया है कि आप वज़ू करके सोए, यानी मुंह धोकर सोए, बेहतर तरीके से वज़ू जैसे हम लोग करते हैं उस तरीके से वज़ू करके सोना है। दूसरा, खाना खाने के बाद सभी हाथ धोते हैं, लेकिन खाने से पहले भी जो याद से हाथ धोते हैं वो सही मानों में समझदार होते हैं, है ना। खाना खाने के बाद तो सभी हाथ धोते हैं, लेकिन खाना खाने से पहले जो लोग हाथ धोते हैं वो समझदार होते हैं, इसलिए हमें दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने इस सबक में क्या सीखा। हमने सीखा कि बचपन में जो दांत निकलते हैं इन्हें दूध के दांत कहते हैं, वो 7 या 8 साल की उम्र में गिर जाते हैं। दूसरा, इसके बाद फिर एक बार दांत निकलते हैं, इन्हें मुस्तकिल दांत कहते हैं। तीसरा, मुस्तकिल दांत गिरने पर दोबारा दांत नहीं निकलते, इसलिए इनका ख्याल रखना ज़रूरी है। बराबर सही है ना, एक मर्तबा दांत अगर गिर गए मुस्तकिल दांत तो वो दोबारा नहीं आते हैं। दांत गंदे हो तो वही गंदगी पेट में जाती है, जिसकी वजह से पेट की बीमारियां होती हैं। खेलते और काम करते वक्त हाथ गंदे हो जाते हैं, खाते वक्त यही गंदगी पेट में जाती है, जिसकी वजह से पेट खराब हो जाता है, इसलिए हाथ साफ धोकर खाना खाएं। उसके बाद हमने लास्ट में क्या सीखा, बाल, नाखून और हिस्सी अज़ा को साफ सुथरा रखना चाहिए। हिस्सी अज़ा यानी कि नाक, कान, आँख, ज़बान और जिल्द, ये हमारे 5 हिस्सी अज़ा है, यानी हम इनसे एहसास करते हैं, जायके का, सूंघने का काम करते हैं, सुनने का काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं ज़बान से, तो ये हमारे हिस्सी अज़ा है, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये तमाम बातें जो है तो हम लोगों ने सीखी है। एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे जिस्म की सफाई हमें ही करना चाहिए, है ना। अब हम बड़े हो गए हैं तो नहाना धोना, दांतों को साफ रखना, ये तमाम बातें जो है तो हमें अपने आप से करना चाहिए। यहाँ पर हमारा ये जो सबक है वो ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को इसकी जो है तो मश्क करना है, मश्क में बहुत सारे सवालात के जवाबात है, आसान है, आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सबक समझ में आया होगा। ठीक है,
अल्लाह हाफिज़।